हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपको मेरा परिचय थंबनेल में तो मिल ही चुका है। अपने क्या करेंगे कि 10 अक्टूबर से हम ऑनलाइन बैच शुरू कर रहे हैं मैथ्स का, तो इसके अंदर जो बीएससी का पोर्शन है वो कम्प्लीटली मैं ही करवाऊंगी। आपको इस पोर्शन के अंदर लाइव या रिकॉर्डेड क्लासेस जैसा भी पॉसिबल हो सका आपको मिलेंगी। तो आज अपने टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस, यानी कि वास्तविक विश्लेषण, रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण। ये टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा टफ भी माना जाता है। लेकिन हम इसको इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि लास्ट में जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे तो आपको लगेगा वास्तव में इस टॉपिक में तो कुछ था ही नहीं। जिसको स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक चीज को अपने अच्छे से समझेंगे, जो भी इसके अंदर वर्ड आएगा उस वर्ड को हम अच्छे तरीके से समझेंगे, उसका मीन क्या है, उसका अपने क्या यूज कर सकते हैं आगे, बिल्कुल अच्छे से एक एक स्टेप हम क्लियर करेंगे। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे और फिर लास्ट तक टफ लेवल तक चलेंगे। तो अपने इसके अंदर शुरू करते हैं वास्तविक अनुक्रम। रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम। रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम जो हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुक्रम क्या होता है। इसमें दो वर्ड हैं, एक तो है वास्तविक और एक है अनुक्रम। तो सबसे पहले अपने अनुक्रम की बात कर लेते हैं। अनुक्रम को अगर हम बेसिकली समझे तो वास्तव में ये एक फलन होता है। तो जो अनुक्रम है ये एक फलन है, और फलन है तो फलन के लिए हमें एक प्रांत चाहिए जिसमें ये परिभाषित होगा, और आगे एक परिसर हमें चाहिए। तो फलन है अनुक्रम, एक फलन है, एक इसका प्रांत होगा और एक इसका परिसर होगा। जो प्रांत है उसमें n, n का मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याएं, उनका समुच्चय। और ये अनुक्रम आगे जाकर किस पर परिभाषित होता है? कोई भी एरिक्त समुच्चय। एरिक्त समुच्चय का मतलब नॉन एम्प्टी। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट तो इसके अंदर हो। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? अनुक्रम की। अनुक्रम बेसिकली होता क्या है? एक फलन होता है। फलन है तो फलन है, इसके लिए प्रांत भी होगा और परिसर भी होगा। जो अनुक्रम होता है वो हमेशा प्राकृत संख्याओं पर डिफाइंड होता है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित होता है। आगे एरिक्त समुच्चय, एक नॉन एम्प्टी सेट। जो फलन है आगे किसी अरिक्त समुच्चय, ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कम से कम एक अवयव तो होना ही चाहिए, यानी कि ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो अनुक्रम है, अनुक्रम परिभाषित है। अनुक्रम है, अनुक्रम परिभाषित है एन से किसी नॉन एम्प्टी सेट। अब ये तो हमने अनुक्रम की बात कर ली, पर हमारा टॉपिक है वास्तविक अनुक्रम। तो अनुक्रम को हमने देख लिया, अब हम देखते हैं इस वास्तविक अनुक्रम को। वास्तविक यानी कि रियल संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती है। तो वास्तविक संख्याओं की अगर हम बात करें तो जो ये एक्स है, यदि ये एक्स वास्तविक संख्याओं में से लिया जाए, यानी जो x के एलिमेंट हैं वो R में से यदि बिलोंग करे,
आर में से लिया जाए, या तो आर हो या आर का कोई भी उपसमुच्चय हो, उस कंडीशन में जो ये एफ अनुक्रम होगा, ये एफ अनुक्रम क्या कहलाएगा? वास्तविक अनुक्रम कहलाएगा। तो वास्तविक अनुक्रम के लिए क्या है हमारे पास? तो वास्तविक अनुक्रम की अगर हम बात करें रियल सीक्वेंस की, तो वो परिभाषित होता है एन से आर की तरफ। ये हमारा वास्तविक अनुक्रम है। यहां एक बात का विशेष ध्यान रखना, या तो आर हो सकता है या आर का कोई उपसमुच्चय। ये हमारे पास वास्तविक अनुक्रम है। तो वास्तविक अनुक्रम में हमें क्या ध्यान में रखना है कि यह एक फलन होता है, ये प्राकृत संख्याओं पर परिभाषित होता है, और अगर ये वास्तविक अनुक्रम है तो इसका जो परिसर है वो R या R का कोई भी उपसमुच्चय हो सकता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं अनुक्रम का निरूपण, भी अनुक्रम को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। अनुक्रम का निरूपण हमारे सिलेबस में वास्तविक अनुक्रम ही है, तो हम जितने भी अनुक्रम की बात करूंगी वो वास्तविक अनुक्रम ही होगा। तो वास्तविक अनुक्रम की अगर हम बात करें उसको किस प्रकार से निरूपित, यानी उसे किस प्रकार से लिखा जाता है, अनुक्रम को हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो अनुक्रम है, तो इसमें अनुक्रम का अगर हम निरूपण की बात करें, निरूपण की अगर हम बात करें तो एक तो इस प्रकार से कोई फलन x है जो n से r की तरफ परिभाषित है। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो अनुक्रम का निरूपण इस प्रकार से होता है xn, x1, x2, n के मान हमें रखते जाने हैं, x4 डैश xn, ये है। तो ये अनुक्रम का निरूपण इस प्रकार से किया जाता है, इस प्रकार से इस पे एक ये निशान लगाकर ये अनुक्रम का निरूपण है। और जो ये सारे के सारे ये अंदर है, ये अनुक्रम के एलिमेंट्स कहलाते हैं, उसके अवयव कहलाते हैं। जो xn अनुक्रम है ये सारे के सारे उसके अवयव कहलाते हैं, और जहां यहां जो xn है ये इसका n वा पद कहलाता है, यह अनुक्रम का n वा पद कहलाता है xn। तो अनुक्रम का निरूपण, ये तो बिल्कुल सी एक बेसिक सी बात थी, हमने बात कर ली कि अनुक्रम क्या है, उसे हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं। वास्तव में क्या है कि जब भी हम कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस टॉपिक का मतलब क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, फिर उसके उदाहरण, और फिर अपने उसको आगे से स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से करना होता है। तो नेक्स्ट हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज है इनका हमें रट्टा नहीं लगाना, इनको हमें अच्छी तरह से समझना है। प्रॉपर्टीज से पहले हम कुछ उदाहरण की बात कर लेते हैं, उदाहरण के बाद हम उन उदाहरण से प्रॉपर्टीज को याद करेंगे तो काफी इजी रहेगा। तो हम इसके अनुक्रम के उदाहरण लेते हैं। जैसे हमें एक उदाहरण दिया जाए भी कोई अनुक्रम xn, इस प्रकार का एक अनुक्रम है xn जिसमें एलिमेंट्स क्या किस प्रकार के हैं, n प्रकार के, यानी जो ये xn बराबर क्या है n, ये उसका n वा पद है। xn n वा पद है, तो हम इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से बना सकते हैं, यानी अगर हम इस अनुक्रम को एक्सपेंड करें तो एक्सपेंड करने से इसका पहला पद n का मान एक रखा, दो रखा, तीन, चार, डैश n, तो ये हमारे पास एक अनुक्रम प्राप्त हो गया। ये इसका एक्सपेंड रूप है, वन टू थ्री फोर डैश एन। अब इस अनुक्रम को देखकर हम क्या कह सकते हैं कि इस अनुक्रम से क्या है,
इसका जो प्रांत है वो क्या है, एन, यानी कि नेचुरल्स नंबर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है अनुक्रम का। और इस अनुक्रम की अगर हम परिसर की बात करें तो परिसर क्या है, एन। ये जो है ये हमें परिसर बताता है, तो ये जो परिसर है ये एन, एन किसको है बिलोंग कर रहा है, नेचुरल्स नंबर को। तो यहां परिसर क्या है, एन। और एन क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय। तो यहाँ क्या है, एन इसका परिसर, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो किसका सबसेट है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं का। तो एक सिंपल सा अनुक्रम, हमने इस अनुक्रम का निरूपण देखा, हमने इस अनुक्रम का निरूपण देखा, उसमें देखा इसका प्रांत क्या है, इसका परिसर क्या है। तो प्रांत तो हमेशा n रहता है, परिसर हमें इस पर क्या प्राप्त हो रहा है, एक n, यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हमें प्राप्त हो रहा है। जो ये अनुक्रम है xn बराबर में ये जो अनुक्रम है ये तत्समक अनुक्रम कहलाता है, तत्समक अनुक्रम यानी सीक्वेंस, आइडेंटिटी सीक्वेंस कहलाता है ये तत्समक अनुक्रम। xn यानी कि जब एक का संबंध, अगर हम इसको लिखें तो xn x1 बराबर में 1, x2 बराबर में 2, x3 बराबर 3, xn बराबर में n, यानी 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का 3 से, n का n से, उसका खुद से संबंध होता है वो तत्समक कहलाता है। तो यहाँ भी सीक्वेंस के अंदर खुद का खुद से इसका संबंध बन रहा है तो ये तत्समक अनुक्रम है। तो तत्समक अनुक्रम हमने देख लिया, तत्समक अनुक्रम क्या है, इसका प्रांत क्या है, इसका परिसर क्या है और खुद का खुद से संबंध है। कहीं आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, एक समझने की जरूरत है, एक कंसेप्ट को लेकर चलना है कि अनुक्रम के अंदर जो प्रांत है वो हमेशा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय रहेगा और जो परिसर है वो डिपेंड करेगा हमें कौन सा अनुक्रम दिया गया है। पर ध्यान रखना हमारे सिलेबस में वास्तविक अनुक्रम है, तो वास्तविक अनुक्रम है तो जो परिसर है वो वास्तविक संख्याओं का कोई ना कोई उपसमुच्चय होगा। नेक्स्ट अपने और उदाहरण देखते हैं इसी में। ये कोई हमें एक अनुक्रम दिया गया है, इस प्रकार का एक अनुक्रम दिया गया है, तो यहां से यानी कि इसका एनवा पद क्या हो जाएगा, इसका एनवा पद क्या होगा, के, यानी एक्स वन बराबर के, एक्स टू बराबर के, एक्स थ्री बराबर के, यानी कोई भी एनवा पद, कोई भी पद ले वो हमेशा क्या रहेगा, के रहेगा। तो अगर हम इसको एक्सपेंड रूप में लिखें, xn, पहला पद के, दूसरा पद के, तीसरा के सारे पद इसके के हमें प्राप्त हो रहे हैं, इस अनुक्रम के सारे पद हमें के प्राप्त हो रहे हैं। यहां पर के है कोई कांस्टेंट है, इसका अगर हम प्रांत ज्ञात करें तो प्रांत क्या आएगा, किसी भी अनुक्रम का प्रांत हमेशा n होता है, प्रांत हमेशा इसका n रहेगा, ये जो 1 2 3 है यही n को शो कर रहे हैं। अगर हम परिसर की बात करें, परिसर की बात करें तो परिसर में क्या है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो है k, परिसर के अंदर एक ही एलिमेंट वो है k, और जो ये k है ये क्या है, एक रियल संख्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ के है वो आर को बिलोंग कर रहा है, तो के यहाँ क्या है, आर का एक उपसमुच्चय, या आप इसको कह सकते हैं कि इसको बिलोंग कर रहा है, तो के है वो आर को बिलोंग कर रहा है, तो वास्तविक संख्याओं से लिया गया है, प्रांत इसका एन रहेगा, परिसर हमने देख लिया, तो एक्स एन का मान हमेशा के इस अनुक्रम के लिए आ रहा है। तो ये जो अनुक्रम है ये अनुक्रम होता है अचर अनुक्रम, कांस्टेंट सीक्वेंस अचर अनुक्रम है ये। तो अनुक्रम की
पहले हमने तत्समक अनुक्रम की बात की थी, अब हमने अचर अनुक्रम की बात की थी। अचर अनुक्रम में क्या प्रांत परिसर हमने देख लिया, हम अनुक्रम में क्या कर रहे हैं, प्रांत और परिसर देख रहे हैं, और सिंपल इसका निरूपण है। अब देखिए ये दो एग्जाम्पल हमें अच्छे से समझ में आ गए। अब क्वेश्चन क्या आता है, यहां से नहीं पड़ेगा, इनसे हम दो प्रॉपर्टीज बनाएंगे, क्वेश्चन वहां से बनेगा। आजकल क्या ट्रेंड है, एग्जाम के अंदर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे देते हैं कि इसमें से कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, तो चार स्टेटमेंट हमें दी जाती है। अगर हमें वो अच्छे से पता है तभी हम इस क्वेश्चन को हल कर पाते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाते। तो यहाँ रट्टा नहीं लगाना। तो हम पहले पिछली वाले पे चलते हैं अपने। अब देखिए प्रांत, प्रांत हमेशा क्या प्राप्त हो रहा है, एन प्राप्त हो रहा है, और एन यहाँ पर क्या है, प्राकर संख्याओं का समुच्चय, और प्राकर संख्याएं अपने क्या मानते हैं कि अनंत तक होती हैं, इनकी संख्याएं बहुत ज्यादा होती है। तो यहां से कंसेप्ट निकल कर आता है कि जो इसका प्रांत है, प्रांत क्या है, अपरिमित है। जो वास्तविक अनुक्रम है, वास्तविक अनुक्रम का जो प्रांत है वो कैसा है, अपरिमित है, सीमित नहीं है, बहुत सारे इसमें अनंत पद होते हैं। वास्तविक अनुक्रम का जो प्रांत एन रहेगा इसके अंदर हमेशा। अब हम परिसर की बात करते हैं, जो अनुक्रम है उसका परिसर। अब ये परिसर अपरिसर है। अब परिसर एक तो आपको ध्यान में रखना है कि ये हमेशा क्या होगा, वास्तविक अनुक्रम की हम बात कर रहे हैं और ये हमारे सिलेबस में है, जो परिसर है वो हमेशा वास्तविक संख्याएं या वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होगी। परिसर हो गया वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय, ठीक है। अब इसमें आगे देखिए आप, यहाँ हमने देखा था इस वाले एग्जाम्पल में, तो वास्तविक ये जो परिसर था वो क्या प्राप्त हो रहा है, एन प्राप्त हो रहा है, और एन कैसा है, अपरिमित, एन अपरिमित है। इसके बाद हमने अगला एग्जाम्पल देखा था, इस एग्जाम्पल में परिसर हमें एक एलिमेंट के प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ जो के है वो क्या है, परिमित है। तो हम परिसर के बारे में क्या कह सकते हैं, एक तो परिसर है वो वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होगा, यहाँ अपरिमित प्राप्त हो रहा है और वहां परिमित प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो परिसर है वो परिमित भी हो सकता है और अपरिमित भी हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट, जो परिसर है वो परिमित भी हो सकता है और अपरिमित भी हो सकता है, परिमित भी हो सकता है और अपरिमित भी हो सकता है। इसमें मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं कि वास्तविक अनुक्रम का मतलब किसका परिसर R में से होगा, या वो R ही मान लेते हैं, R का मतलब अनंत पद, तो इसके परिसर को अपरिमित कर देते हैं। पर ध्यान देना, वास्तविक अनुक्रम होता है उसमें जो अरिक्त समुच्चय का, ये जो x है वो R का सबसेट भी हो सकता है और R भी हो सकता है। इस रेफरेंस में हम कह सकते हैं कि जो परिसर है वो परिमित भी हो सकता है और अपरिमित भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते। ये चीज आप लोग ध्यान में रखना, प्रांत हमेशा अपरिमित होता है, एन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, प्रांत अपरिमित, परिसर परिमित या अपरिमित। अब यहाँ रट्टा नहीं लगाना, आपको एक दो एग्जाम्पल ध्यान में रखने, इसकी आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आपकी ये प्रैक्टिस में आ जाएगा। रट्टाफिकेशन हमें कहीं नहीं करना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। तो परिसर हो गया परिमित या अपरिमित, तो ये तो था हमारा वास्तविक अनुक्रम। अब वास्तविक अनुक्रम के अंदर हम आगे चलते हैं, आज अपने दो पॉइंट और देखेंगे, एक हम देखेंगे लिमिट पॉइंट और एक देखेंगे हम सीमा लिमिट। हालांकि देखने में ऐसे लगते हैं कि दोनों सेम ही चीज है,
लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम के अनुक्रम का सीमा बिंदु, और एक हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम की सीमा, अनुक्रम का लिमिट पॉइंट या अनुक्रम की सीमा, हम इसको देख के चलते हैं। लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, अब लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस क्या है, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस इसको जो हमें बुक वगैरह में दिया है हम उसको नहीं देखना, हमें इसका बेसिक सा मतलब देखना है कि लिमिट पॉइंट क्या है, ताकि हम उससे एग्जांपल को सॉल्व कर सके। अब देखिए लिमिट पॉइंट अनुक्रम है, तो हम कोई भी एक अनुक्रम ले लेते हैं xn, और इस xn के अंदर एलिमेंट्स ले लिया x1 x2 x3, ये इसके अंदर एलिमेंट हमें प्राप्त हो गए। अब जो लिमिट पॉइंट है वो क्या है, लिमिट पॉइंट हम ले लेते हैं कोई a है, ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है a, ये लिमिट अनुक्रम का लिमिट पॉइंट, हम कोई संख्या लेते हैं a, रियल नंबर की एक संख्या a लेते हैं, ये a है इस अनुक्रम का लिमिट पॉइंट कहलाएगी, इस अनुक्रम की लिमिट पॉइंट कहलाएगी यदि इस ए के नेबरहुड में सामीप्य, इस ए के नेबरहुड में एक्स एन के अनंत पद हो, एक्स एन के अनंत पद हो, हालांकि देखने में ये लैंग्वेज बड़ी कलिष्ट लगती है। अब मैं इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो आपको एक अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर दूं, अनुक्रम का लिमिट पॉइंट, प्रिपेयरिंग टू एक्सपोर्ट, इसमें क्या है अनुक्रम का लिमिट पॉइंट है, अनुक्रम का लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम का लिमिट पॉइंट, इसमें अनुक्रम xn, इसकी कोई वास्तविक संख्या a जो इस अनुक्रम का लिमिट पॉइंट कहलाएगी, इसके लिए क्या होना चाहिए कि ए का जो सामीप्य हम प्राप्त करें उसके अंदर xn के अनंत पद होने चाहिए। अब इस सामीप्य का क्या अर्थ है, इसको हम यहां ज्यादा ना देखकर, इसको हम यहां ज्यादा ना देखकर एक सिंपल सी चीज हम देखते हैं कि ए, इसको हमने एक सेंटर पॉइंट लिया, इसके साइड में एक सर्किल बनाया, ये हमारे पास ए, ये एक सर्किल, और इसकी हमने रेडियस ली डेल्टा, ये लेंथ डेल्टा है, तो सिंपल सी है, ये ए प्लस डेल्टा हो जाएगा, ये ए माइनस का डेल्टा हो जाएगा, तो ये ए का नेबरहुड कहलाता है। इस ए के जो हम एक सर्किल बनाए, इस ए के यानी कि ए के आसपास, हमें मतलब बहुत नजदीक ए के आसपास इस एक्स एन के, या x1 x2 xn के अनंत पद होने चाहिए, कोई भी पद हो सकते हैं, अनंत पद इस ए के अंदर होने चाहिए। अगर ऐसा कुछ प्राप्त होता है तो ये जो ए है वो इस xn का लिमिट पॉइंट कहलाता है। तो xn का लिमिट पॉइंट यानी ए के आसपास जो वास्तविक संख्या है जिसको हम लिमिट पॉइंट बता रहे हैं, इसका उस लिमिट पॉइंट के आसपास जो अनुक्रम है उस अनुक्रम के अनंत पद होने चाहिए। यानी कि हमारे पास कोई अनुक्रम है, ये x1 है, ये x2 है, यहाँ ये x3 है, x4 आ गया, x5 आ गया, x6 आ गया, इस प्रकार से अनुक्रम के यहाँ बहुत सारे पद आ गए जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास हैं,
तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ही इसका लिमिट पॉइंट कहलाता है। तो ये होगी लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम का लिमिट पॉइंट। अब लिमिट पॉइंट है, इसे अपने कुछ एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर समझ में आएगा अच्छे से, फिर अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट हम एक स्लाइड और लेते हैं। जैसे हमें एक सीक्वेंस दिया जाए, ये हमें कोई अनुक्रम दिया गया है, तो इस अनुक्रम को हम एक्सपेंड करें, तो इसके सारे एलिमेंट ये रहेंगे। तो इस अनुक्रम का अगर हम लिमिट पॉइंट की बात करें, तो लिमिट पॉइंट की बात करें, 3 3 3 है, तो ये 3 है, 3 3 3 3 3 3, तो इस 3 3 के आसपास बहुत सारे 3, यानी कि 3 के आसपास ये बहुत सारे 3 है, यानी इस 3 के आसपास बहुत सारे इस अनुक्रम के पद हैं, तो इसका जो लिमिट पॉइंट है, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या है, 3। इसी प्रकार से हम एक अनुक्रम और लेते हैं, ये अनुक्रम इंपॉर्टेंट है। अब इस अनुक्रम को एक्सपेंड कीजिए, एक्स एन, माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 1 माइनस का 1 प्लस का 1, तो यहां हमारे पास एक तो माइनस 1 है और एक प्लस का 1 है, तो माइनस 1 भी बहुत सारे हैं, तो माइनस 1 के आस पास, माइनस 1 खुद बहुत सारे इसके पद मिल जाएंगे, प्लस 1 के आसपास भी बहुत सारे पद मिल जाएंगे। तो यहाँ कहने का मतलब माइनस 1 और 1 बहुत सारे पद हैं, तो ये जो इसकी लिमिट पॉइंट है इस अनुक्रम की, वो है माइनस 1 और 1, तो ये लिमिट पॉइंट हो गया। यानी कहने का मतलब लिमिट पॉइंट के लिए, उस पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट कहेंगे जिसके आसपास या खुद वो बहुत सारे पद हो, या उसके आसपास अनुक्रम के अनंत पद हमें मिल जाएं, तो वो लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम और एग्जांपल लें, हमें एक अनुक्रम दिया जाए, ये हमें एक सीक्वेंस अनुक्रम दिया गया है। अब अगर इस अनुक्रम के लिमिट पॉइंट की बात करें, तो लिमिट पॉइंट में आप देखिए, ये तो इस 2 पे, यानी कि 2 बहुत बार रिपीट होगा, इस 2 पे हमें अनंत पद मिल जाएंगे, तो इसका जो लिमिट पॉइंट है वो क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद देखिए आप, 4 है, तो 4 एक पॉइंट है, लेकिन इसके आसपास कोई भी पद नहीं है, ना 4 है, ना 4.1, 4. ऐसा कुछ भी नहीं है। 6 है, ये अकेला पॉइंट है, लेकिन 2 एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत सारे है संख्या में, तो यहाँ बहुत सारे पद मिल जाएंगे, 2 पर हमें बहुत सारे पद मिलते ही ये हमारा लिमिट पॉइंट हमें मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ये हमें एक अनुक्रम दिया गया है, हम इसको एक्सपेंड करें, 1 1 बाय 2 1 बाय 3, जब एन का मान बहुत ज्यादा हो जाएगा तो 0.000 समथिंग, यानी कि जब अनंत पद हो जाएंगे, यहां आते ही अनंत पद में, या 0 के आसपास, इस 0 के आसपास इसके बहुत सारे पद हो जाएंगे, इसके अनंत पद हो जाएंगे, जब n का मान बहुत ज्यादा है, तो n का मान ज्यादा होते ही ये किसकी ओर अग्रसर होगा, ये 0 की ओर अग्रसर होगा, 0 के अग्रसर होते ही इसके अनंत पद यहाँ इस 0 के अंदर हो जाएंगे, तो इसका जो लिमिट पॉइंट है लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाए। इसी प्रकार से हम एक अनुक्रम और लेते हैं xn, इसमें जो पद होंगे अब हम इसमें अगर लिमिट पॉइंट देखें तो वन एक सिंगल पॉइंट, टू एक सिंगल पॉइंट, थ्री एक सिंगल पॉइंट, फोर एक सिंगल पॉइंट, आगे जाकर इसका मान अनंत की ओर अग्रसर होगा। तो वन टू थ्री फोर, तो इसकी अगर हम लिमिट पॉइंट की बात करें वन टू, तो इसके आसपास हमें कोई एक अनंत पद नहीं, कोई अनंत पद नहीं मिल रहा, ना वन के आसपास, ना टू के आसपास, ना थ्री के आसपास। तो इसका जो लिमिट पॉइंट है वो विद्यमान नहीं है। इसको हम अच्छे से जब हम वो टॉपिक करेंगे सीमा वाला और इसको अच्छे से देखेंगे, इसमें एक अनंत टॉपिक आएगा, इस अनंत पॉइंट को हम वहां अच्छे से समझेंगे। तो यहां हमने कुछ पांच एग्जांपल देखे हैं, इसमें हमने देखा है कि इसकी लिमिट पॉइंट क्या में मिल रही है, उन चीजों को हमने इसको अच्छे से देखा है। तो यहाँ हम लिमिट पॉइंट में एक चीज क्या कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ इसका लिमिट पॉइंट टू प्राप्त हो रहा है, यहाँ इसका लिमिट पॉइंट जीरो प्राप्त हो रहा है, यहाँ वन माइनस वन और वन, यानी किसी भी अनुक्रम के लिमिट पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि लिमिट पॉइंट एक ही है, लिमिट पॉइंट की संख्या यहाँ दो भी हमें प्राप्त हो रही है, तो ये भी आपको एक स्टेटमेंट अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिट की। नेक्स्ट हम बात करें सीमा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम की सीमा। अनुक्रम की सीमा में बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि n-वां पद पर अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो जो हमें मान प्राप्त होगा वो इसकी लिमिट कहलाएगी। अनुक्रम की सीमा, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, पहले किया था वो लिमिट पॉइंट किए थे, वो हमने सीमा बिंदु किए थे, अब हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं सीमा ऑफ, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, अनुक्रम की सीमा। सिंपल से आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें एन को अनंत की ओर अग्रसर करवाना है, तो जो हमारे पास मान प्राप्त होगा वही हमारे पास अनुक्रम की सीमा होगी। इसको अच्छे समझने के लिए हम पीछे वाले एग्जांपल की तरफ ही बढ़ते हैं, ताकि हमें साथ में कंसेप्ट समझ में आए, हमें इसका साथ में कंसेप्ट समझ में आ जाएगा लिमिट पॉइंट और सीमा का। अब हम इस एग्जांपल को देखेंगे, तो जब एन का मान अनंत की ओर अग्रसर, जो अनुक्रम है इसमें सारे के सारे एलिमेंट थ्री 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 है, जब एन का मान अनंत की ओर अग्रसर हो इसमें सारे एलिमेंट थ्री 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 आएंगे, जब एन का मान अनंत की ओर अग्रसर हो तो भी इस अनुक्रम का मान कितना आएगा थ्री, तो यानी कि जो ये थ्री है ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी सीमा आ गई, इस अनुक्रम की हमारे पास लिमिट आ गई। तो लिमिट में क्या है कि जब एन का मान अनंत की ओर अग्रसर होता है उस कंडीशन में जो उसका मान प्राप्त होता है अनुक्रम का वही हमारी लिमिट होती है। तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट थ्री 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 है, जब एन का मान अनंत की ओर अग्रसर होगा तो इसका मान भी कितना हमें प्राप्त हो गया थ्री प्राप्त हो गया। तो यहाँ लिमिट पॉइंट भी थ्री है, यहाँ लिमिट भी क्या है थ्री है, पर ध्यान रखना लिमिट और लिमिट पॉइंट अलग अलग है, जिसको हम हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल में अच्छे से समझेंगे अलग अलग कैसे है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, माइनस वन की पावर, माइनस वन की पावर एन, तो यहाँ जब एन का मान अनंत अनंत की ओर अग्रसर होगा उस कंडीशन में जो इसकी लिमिट पॉइंट होगी या तो माइनस वन होगी या वन होगी। जब हम इसकी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे एक्स एन की, तो एन वा पद क्या हो सकता है, माइनस वन हो सकता है या प्लस का वन हो सकता है, कोई एक फिक्स वैल्यू हमें प्राप्त नहीं हो रही। लिमिट का मान क्या है, या तो माइनस वन आए या
प्लस एन का मान इनफाइनाइट, कुछ डिसाइड नहीं है, माइनस वन भी आ सकता है और वन भी आ सकता है। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि इसकी जो लिमिट है वो विद्यमान नहीं है, माइनस वन भी है और वन भी है, कुछ फिक्स नहीं है इसका, माइनस वन या वन कोई फिक्स नहीं है, इसकी लिमिट है, ये इसकी लिमिट पॉइंट है माइनस वन और वन। और वहां हम लिमिट की अगर हम बात करें, जब एन का मान अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है तो माइनस वन भी आ सकता है और प्लस का वन भी आ सकता है। इस लिमिट पॉइंट को आपको अच्छे से समझना है, ये लिमिट पॉइंट आगे जब हम वास्तविक अनुक्रम अपसारी अनुक्रम करेंगे तब हम इसको अच्छे से समझेंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल ये है, यहां पर क्या है, टू 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 टू, ये जो फोर सिक्स एट, इनमें क्या रेशियो आ रहा है, इनमें क्या प्लस टू 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 ऐड हो रहा है, तो यहां क्या है जो एन, यहां अगर अनंत की ओर बात करें तो इनका जो मान है टू सिक्स एट टेन, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो अनंत तक इसका मान अनंत हो जाएगा। तो यहां अगर हम लिमिट ज्ञात करें, एन बिलोंग्स टू इनफाइनाइट, एन बिलोंग्स टू इनफाइनाइट ज्ञात करेंगे तो या तो क्या प्राप्त होगी, एक्स एन अनंत की ओर अग्रसर करेंगे तो यहाँ टू प्राप्त होगी, जो इसके साथ आ रहा है वो क्या अनंत की ओर अग्रसर होगा, अनंत की ओर अग्रसर होगा, या टू प्राप्त होगी या फिर हमें क्या प्राप्त होगी, अनंत हमें मिलेगी। इसकी लिमिट पॉइंट सॉरी इसकी सीमा टू 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 चलता जा रहा है, अनंत तक इसका मान टू 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 चलता जाएगा, जो इसके बाद वाले एलिमेंट है उनमें फोर सिक्स एट टेन, यानी कि ये मान क्या हो रहा है, अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है। तो अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, जब एन का मान अनंत हो जाएगा तो या तो हमारे पास दो प्राप्त होगा या फिर हमारे पास अनंत प्राप्त होगा लिमिट में। इस फोर्थ नंबर एग्जांपल की बात करें तो इसका जो लिमिट है वन अपॉन में एन, एन बिलोंग्स टू इनफाइनाइट, तो एन का मान हमें अनंत रखना है तो हमें क्या प्राप्त हो गया, जीरो। तो यहां इसकी हमें लिमिट प्राप्त होगी जीरो, ये इस अनुक्रम की हमें क्या मिल गई, एक सीमा मिल गई, ये चीज है। तो यहां हमने आज की क्लास के अंदर हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि वास्तविक अनुक्रम, पहले तो हमने बात की है कि अनुक्रम क्या है, फिर अनुक्रम से हमने वास्तविक अनुक्रम को देखा, ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं है, वास्तविक वास्तविक को आपको पकड़ना है, वास्तविक का मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय से अपने को लेना है। फिर प्रांत परिसर की अच्छे से बात की, हमने दो तीन प्रॉपर्टीज की बात की, रट्टा नहीं लगाना, एग्जाम्पल से अच्छे से समझना है उसको। उसके बाद हमने लिमिट पॉइंट और लिमिट की बात की, लिमिट पॉइंट और लिमिट को आपको अच्छे से समझना है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखनी है कि लिमिट पॉइंट क्या है और लिमिट क्या होती है, इसको अच्छे से क्लियर करके आपको ध्यान में रखना है। मैंने दोनों को साथ एग्जाम्पल में लेकर अच्छे से समझाया है आपको। अब इस लिमिट को आगे हम जब वास्तविक अभिसारी अनुक्रम करेंगे, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट सिक्वेंस की हम बात करेंगे, उसके अंदर अपने यूज करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।